रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने एक्सरसाइज 7.2 के फर्स्ट का फर्स्ट और सेकंड कर लिया था। नेक्स्ट रहती है फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट का थर्ड क्या है? 10 upon cot 18। आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वही जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर्टीज राइट की थी ना, उनका यूज अपन करेंगे। तो 10 को cot की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 10 को अपन क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस थीटा की जगह अपने क्या रहा है? 10। तो 10 लिखेंगे। अपन जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या है? 10 अपॉन cot 80। अब देखिए cot का cot 90 में से 10 को माइनस किया, देन 80 अपॉन cot 80। cot 80 से cot 80 कैंसिल, तो आंसर क्या है अपन? नेक्स्ट देखिए फर्स्ट का cot क्या है? फर्स्ट का cot cos 90 अपॉन sin 71। आपको फिर से या तो cos को sin की फॉर्म में कन्वर्ट करना है या sin को cos की फॉर्म में। तो cos को sin की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या लिखेंगे? sin cos theta इक्वल्स टू क्या होता है? sin 90 माइनस theta। तो देखिए cos 90 को मैं क्या लिखूंगी? sin 90 माइनस theta की वैल्यू है 19। तो 19 लिखा अपॉन sin 71। cos sin as it 90 में से 19 को माइनस किया, देन 71 अपॉन sin 71। sin 71 से sin 71 कैंसिल, तो आंसर क्या आया अपन? नेक्स्ट देखिए सेकंड। सेकंड क्या है? cosec 25 माइनस sec 65। तो देखिए या तो आपको cosec को sec की फॉर्म में करना है या sec को cos की फॉर्म में। तो देखिए cosec को अपन क्या लिखते हैं? cosec theta इक्वल टू क्या होता है? sec 90 माइनस theta। तो cosec को अपन क्या लिखेंगे? sec 90 माइनस theta की जगह अपने क्या आ रहा है? 25। तो 25 माइनस sec 65 as it। sec का sec 90 में से 25 को माइनस किया, तो 65 माइनस sec 65। sec 65 से sec 65 माइनस किया, देन 0। नेक्स्ट देखिए सेकंड का सेकंड। सेकंड का सेकंड क्या है? cot 34 माइनस tan 56। वापस वही cot को अपन tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अपन जानते हैं cot theta इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा। तो cot को मैंने क्या लिखा? tan 90 माइनस थीटा की जगह अपने को क्या गिवन है? 34। तो थीटा की प्लेस पे रखा 34 माइनस tan 56 एज इट। 10 का 10 90 में से 34 को माइनस किया, देन 56 माइनस 10 56। 10 56 में से 10 56 को माइनस किया, देन 0। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला। थर्ड क्या है? साइन 36 अपॉन कॉस 54 माइनस साइन 54 अपॉन कॉस 36। वापस वही या तो कॉस को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे या साइन को कॉस की फॉर्म में। तो साइन 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ? cos 90 माइनस 36 अपॉन cos 54 एज इट। क्योंकि sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। ऐसे ही sin थीटा क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा। तो cos 54 को क्या लिखूंगी? sin cos 90 माइनस थीटा की प्लेस पे 54 अपॉन cos 36। cos का cos 90 में से 36 को माइनस किया, देन 54 अपॉन cos 54 माइनस cos एज इट 90 में से 54 को माइनस किया, देन 36 अपॉन cos 36। cos 54 से cos 54 कैंसिल, देन आंसर 1 माइनस cos 36 से cos 36 कैंसिल, देन आंसर 1। 1 में से 1 को माइनस किया, देन 0। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3
भी करना है रफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।